हम जो बीमार होते हैं, हमें किसी किस्म की जो तकलीफ आती है, जो हम पर कोई मुसीबत आती है नफ्स पर, यानी चाहे वो नफ्सियाती तकलीफ हो, जो रूहानी हो, कोई जिस्मानी हो, जहनी हो, किसी भी किस्म की कोई कर्ब और बेचैनी और एंजाइटी और डिप्रेशन और कोई भी चीज जो इंसान के ऊपर वारिद होता है, या किसी चीज के खो जाने से इंसान को जो तकलीफ और परेशानी आती है, या अपने किसी प्यारे के ऊपर जो दुख तकलीफ आता है उसकी वजह से जो तकलीफ लाहक होती है, या फिर ये कि इंसान कहीं से गिर जाता है या कोई चोट लग जाती है या फिसल जाता है या किसी वबा का शिकार हो जाता है, या इंसान के जिस्म में किसी किस्म का कोई इस्तराब, हत्ता के कोई खारिश होती है, या फिर किसी तरह की कोई चुभन सी हो जाती है या कोई पेन शुरू हो जाती है, कोई भी चीज जो हमारे जिस्म में होती है, ये अल्लाह के इल्म में होती है और अल्लाह के इज़्ज़न से होती है, और अल्लाह ताला की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि किस इंसान को किस वक्त क्या लाहिक होगा, और फिर अल्लाह ताला को ये भी पता है कि वो उस वक्त किस तरह रिएक्ट करेगा, और ये जो रिएक्शन हो जाता है फिर ये हमारे अमाल नामे में लिख लिया जाता है, और फिर इसके मुताबिक हमें जो भी बदला होगा वो दिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों होता है? आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, कि इंसान करता क्या है। यानी अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें, बाज़ुकत होता है ना कि किसी पेट को आप देखते हैं या कोई कीड़ा मकोड़ा देखते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं इसकी तरफ ये चीज फेंकती हूँ या मैं इसको छेड़ती हूँ तो ये करता क्या है, तो फिर आप कहते हैं ये इधर जाएगा, ये यूं करेगा, यूं करेगा, तो आप उसको देख देख के एक तरह से बाज़ुकत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम सब इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर जो भी अच्छे बुरे एक्शन कर रहे हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की नजर में है। किसी हमारे एक्शन पे अल्लाह ताला खुश होते हैं और किसी हमारे एक्शन पे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ उसके इल्म में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फरिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं, वह इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर एक निगरान नहीं खड़ा, वो देख रहा है कि ये करता क्या है इंसान। और फिर किरामन कातिबीन लिखे चले जा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं। तो यहाँ पर फरमाया इल्ला फी किताब मिन कबल अन नबरअहा, वो एक किताब में लिखा हुआ है इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। हा का मतलब मुसीबत है, यानी नबरअहा उस तकलीफ को पैदा करें। और एक कौल ये है कि ये जमीन की तरफ जा रही है बात, या नफ्स की तरफ, कि जमीन को पैदा करने से पहले या उस इंसानी जान को पैदा करने से पहले। यानी कुरान मजीद की ये बलागत है और एक खूबसूरती है कि उसके अंदर इतनी वुसत आ जाती है, एक ही जमीर है और उसमें इंसान की सोच ही जेहत खुलती है कि हा की जमीर नफ्स की तरफ लौट रही है, हा की जमीर अर्द, ये सब मुअन्नस है, और हा की जमीर मुसीबत की तरफ जा रही है। यानी इससे पहले कि मुसीबत आए, इससे पहले कि जमीन पैदा हो, इससे पहले कि इंसान पैदा हो, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यानी खैर और शर सब कुछ लौहे महफूज में महफूज है, और ये तकदीर जो है ये अल्लाह का अजली इल्म है, और अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म के एतबार से इहाता कर रखा है, कोई चीज भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا। अब आप जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप अल्लाह ताला से अपनी हालत का वास्ता दे के भी दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह तुझे तो पहले से ही पता है कि मेरे ऊपर क्या आना है, और तुझे तो पहले से ही पता है कि मैं कितनी कमजोर हूँ, और तू मेरे हाल को जानता है और तू मेरी तकलीफ को जानता है, तू मुझ पे रहम फरमा। यानी अल्लाह ताला से इंसान इस तरीके से भी दुआ कर सकता है, यानी अल्लाह ताला की सिफत इल्म का वास्ता देकर, क्योंकि कुरान मजीद में आता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, तो हमें अल्लाह ताला की अस्मा और सिफात का वास्ता और वसीला देकर भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जैसे अन्नी मस्सनी अदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, बस अल्लाह ताला की रहमत की बात कर दी, अल्लाह ताला की इस सिफत की बात कर दी कि आप तो बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। यानी मतलब क्या है, अगर किसी को कहा जाए आप तो बहुत सखी हैं, तो इसका क्या मतलब है कहने का? ये तारीफ कोई क्यों कर रहा है किसी की? ताकि वो अपनी सखावत का इजहार करे। तो इसी तरह अल्लाह ताला की सिफत रहमत का जब जिक्र करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तो इसके मालिक हैं और आप कर सकते हैं। तो ये चीज अगर इंसान अल्लाह ताला के बारे में सोचे, को हर चीज को जानता है, हर चीज को, वह अंत अल्लामुल गयूब, मैं नहीं जानता तू जानता है, और तू अल्लामुल गयूब है। कयामत तक जो कुछ होने वाला है, जब से पैदा हुआ जब तक खत्म होगा, सब कुछ उसके इल्म में। वकुल शैइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन, एक वाज़े किताब में,
एक खुले रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा हुआ है। और हदीस से पता चलता है कि आसमान और जमीन की तखलीक से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर लिखी गई। अब आप सोचिए, जब आप तकदीर पर ईमान लाते हैं, और तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक हकीकत होती है, और कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुँच सकता जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसे जो चीज पहुँची है उससे खता नहीं हो सकती थी, और जो चीज खता हो गई है उससे वो उसे पहुंच नहीं सकती थी। अब ये जो हमारा ईमान है, इसके बिना पर अगर आपको कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई चीज छू जाती है, लग जाती है, टकरा जाती है, कुछ हो जाता है, तो बजाय गुस्से में आने के, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने के, आपके चेहरे पर स्माइल भी आ सकती कि तो होना था, ये लिखा हुआ, ये अपने वक्त पे पहुंच गया मुझ तक, अब अल्लाह ही इसको दूर करने वाला है। जिसके इज़्ज़त से ये तकलीफ आई है उसी के इज़्ज़त से शिफा होगी, जिसके इज़्ज़त से ये मुश्किल में मैं मुब्तला हूँ वही इसको फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो उसको अल्लाह के सिवा कोई भी दूर नहीं कर सकता, फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, ये यकीन होना चाहिए पूरा। जितना ज्यादा ये यकीन होगा कि फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, कि अल्लाह ही इस तकलीफ को दूर करने वाला है, इसको खोलने वाला है, तो उतना ही ज्यादा हम अल्लाह सुबहान तआला की तरफ रुजू करेंगे, उतने यकीन के साथ उसी की तरफ लौटेंगे, उसी के दर पे जाएंगे, उसी के आगे सर झुकाएंगे, उसी को पुकारेंगे, उसी के आगे हाथ फैलाएंगे, उसी को मुख्तलिफ चीजों का वास्ता वसीला देंगे जो मशरू है या जिसकी इजाजत है हमें, तो इस तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर फरमाए इन ज़ालिका अलल्लाह यसीर, हमें लगता है कितना मुश्किल काम होगा, ये कितना बड़ा काम है ये सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं, सुभान अल्लाह, यानी उसकी कुदरत इससे भी कहीं ज्यादा कि वो इन सब चीजों का इल्म रखे। और हमें क्यों बताया जा रहा है, लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम खो जाने वाली चीज पे अफसोस ना करते रहो, तुमसे गम दूर करने के लिए। और ये एक हकीकत है कि अगर इंसान तकदीर के मामले को और इस बात को समझ जाए कि ये किसी वजह से आई है तकलीफ मुझ पर, अल्लाह ताला या तो मुझे रेस्ट करवाना चाहता है, या मुझे कुछ सिखाना चाहता है, या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि जो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि उसका कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं, ये भी साथ ही याद रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध बस किसी को सजा दे रहा है और किसी को कुछ जजा दे रहा है और किसी को फायदा और किसी को, ऐसा नहीं है, हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत, कोई वजह है, उसने आपको कोई स्पेशल चाइल्ड दिया है, कोई हिकमत है इसके पीछे, कोई वजह है कि उसने आपको इस काम के लिए चुना है। इसी तरह अगर कोई औलाद की तरफ से या वालदैन की तरफ से, किसी प्यारे की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो इसमें कोई हिकमत है। तो अगर इंसान ईमान ले आए तकदीर पर तो फिर गम हल्का हो जाता है, वजह बता दी गई कि लिका इला तअसौ, ताकि तुम अफसोस न करते रहो, गमगीन न रहो, अला मा फातकुम, जो तुमसे फौत हो गया, यानी जो तुमसे चला गया, तुम्हारी सेहत चली गई, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारी हिम्मत चली गई, तुमसे काम का चांस चला गया, अल्लाह को यही मंजूर, आगे मूव फॉरवर्ड, आगे चलो, आगे चलो, जो खोना था हो गया, अब उसके पीछे जान हलकान न करो, जो होना था हो गया, अब अपनी जिंदगी को आगे ले जाओ, आगे की तरफ देखो, अच्छी उम्मीद रखो और हौसले में रहो, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि इंसान हमेशा आफियत में नहीं रह सकता, हमेशा खुशहाली में नहीं रह सकता, हमेशा रिस्क की फरावानी में नहीं रह सकता, ये कमी बेशी होगी, और जब हो तो इंसान अगर सिर्फ इतनी बात सोच ले के लिखा हुआ था, ये तो होना था, मक्तूब लिखा हुआ था, और अल्लाह ने क्यों लिखा, फिर इंसान अल्लाह से बहस नहीं करता, अल्लाह के इल्म और अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं करता, बल्कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता है। आप देखे कि अल्लाह सुबहान तआला पर एतराज करना किसका काम था, जानते हैं ना हम, ये शैतान का काम था, तो फिर हम कितने मजे से मुख्तलिफ चीजों पर एतराज शुरू कर देते हैं, वाज़े तौर पर शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं, वाज़े वाज़े क्लियर कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाय मी, ये क्यों ऐसा किया, ये आप याद रखे कि ये क्या है, ये दरअसल शैतान के कदमों पर चलना है, उसकी पैरवी करना है, उसके पीछे जाना है। और फिर दूसरा रवैया जो शैतानी रवैया होता है, अना खैरु मिन्हु, वो क्या है, तकब्बुर वाला, और ये तकब्बुर वाला रवैया ये भी अल्लाह को नापसंद, ये दोनों शैतानी रवैया अल्लाह को नापसंद है। वला तफरहू बिमा आताकुम,
اس پہ مت خوش ہو، مت اتراؤ، مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اپنی کسی بھی سکل پر، اپنی کسی ذہانت پر، اپنی کسی قابلیت پر، اپنے کسی کارنامے پر، اپنی کسی کامیابی پر. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا فلاں کام آتا ہے، یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو، یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے، میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرا گھر زیادہ اچھا ہے، میرا یہ، یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں، فخر نہیں کرے. اور اترانا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی خوشی کا اظہار منع نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا. اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے، اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، اچھی گاڑی خریدی آپ نے، کوئی حرج نہیں. کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا، ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا. انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی، لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے. اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے. اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے، نہیں، کوشش بھی کرنا اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے. وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ تمہیں کوشش کرنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قوت ملی ہے، اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرص علی ما ینفع، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے. انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، انسان اپنے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے، چاہے ایکسرسائز ہے، چاہے بریدنگ ہے، چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے، یا جو بھی، یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے. تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا، کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشیمانی کا شکار ہوتا ہے. میں تو اتنی زیادہ کیئر فل ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں، میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تھی، یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اور یہ نہیں، یہ لکھا تھا، اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ پہ یہ بیماری کیوں بھیجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا، یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے، فخر کرے، یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلے، یا ایسی چال چلے، اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں، شیخی بگاڑنے والی ہوں. تو بے صبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے، ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لایا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ صرف 2 سال ہی تھے. تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تو نے ہمارے لیے مزین کیا. یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بری چیز تھی، یعنی جس کا وہ ذکر کرے؟ نہیں، وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ، یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ، یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے، اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے. ورنہ مال کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے. اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हर वक्त बस एक ऐसी हालत में रहते हैं कि ना किसी खुशी के मौके पर खुश होते हैं, ना किसी गम के मौके पर गमगीन होते हैं, हम नेक पारसा नहीं। अगर खुशी की कोई चीज है, कोई नेमत मिली, खुशी का इजहार करे, अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस, बस लिमिट के अंदर, उससे ऊपर नहीं जाना कि तकबर शेखी बिगाड़ना शुरू हो जाए या आप दूसरों को नीचा करना शुरू कर दें, ये नहीं होना चाहिए।